बनाएंगे पास्ता। जैसे टोस्ट किया है और तेल डाल दिए है, टमाटर डाल दिया है, थोड़े से गाजर डाल दिए हैं कटे हुए, थोड़ी सी हरी मिर्च उसमें कटी हुई, फिर हमने उसमें पास्ता मसाला ऐड कर दिया है दोस्तों, थोड़ा सा पानी डाल दिया है, टमाटर को गला लिया है दोस्तों हमने, देखिए टमाटर गल गया है और हम उसको थोड़ा गला देते हैं। देखिए दोस्तों उसमें पानी 2-3 कप हमने डाल दिया है, अभी पास्ते को उसी में बॉईल करेंगे। अब हमने पास्ता भी ऐड कर दिया है दोस्तों, वो उसी में धीरे धीरे पक जाएगा। देखिए दोस्तों हमने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है उसमें और थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया, उसको चला दिया है हमने। देखिए वो बॉईल हो रहा है और पक गया है दोस्तों, हमने ढक दिया था उसको थोड़ी देर, उसको थोड़ी थोड़ी देर पर चला देंगे। दोस्तों हम उसको निकाल लेते हैं, देखिए वो बॉईल हो चुका है, अच्छे से पक चुका है। देखिए हमने उसको निकाल लिया है दोस्तों, पास्ता है एकदम सादा पास्ता है, बच्चे भी खा सकते हैं दोस्तों, ज़्यादा तीखा नहीं है, मिर्ची हमने ज़्यादा नहीं ऐड किया था दोस्तों इसमें। देखिए बहुत टेस्टी है।